हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको रिव्यू देने वाली हूँ रेडमी नोट 11 प्रो प्लस 5G मोबाइल के बारे में। दोस्तों, अगर आप ये मोबाइल लेने के बारे में सोच रहे हो तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखो। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि रेडमी नोट 11 प्रो 5G मोबाइल का प्राइस है 20,999 रुपीज। और दोस्तों, अगर हम इसके डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं, 6.67 इंच का FHD अमोल डिस्प्ले है। इसका रिफ्रेश रेट अप टू 120 हर्ट्ज है। दोस्तों, काफी अच्छा मोबाइल है। इसमें 108 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है, 2 मेगापिक्सल का माइक्रो कैमरा है, जो कि काफी अच्छा है। इससे आप फोटो लोगे तो बहुत ही अच्छे से जूमिंग करके देख सकते हो तो क्लियर फोटो आएगा। दोस्तों, इसका फ्रंट कैमरा 16 मेगापिक्सल का है। और दोस्तों, अगर इसके हम रैम रोम के बारे में बात करें तो इसमें 8GB रैम है, 256GB स्टोरेज, जो कि काफी अच्छा है। इसका स्नैपड्रैगन 695 है। दोस्तों, अगर इसके बैटरी के बारे में बात करें तो इसमें 5000 MAH बैटरी है। 67W का ट्रूबल चार्जिंग से बहुत ही फास्ट चार्ज होता है। 15 मिनट में ये मोबाइल काफी अच्छे से चार्ज हो जाएगा। USB टाइप सी सपोर्ट करता है, जो कि काफी ही अच्छा है। दोस्तों, इसके सिक्योरिटी के बारे में बात करें तो साइड फिंगरप्रिंट सेंसर है इसमें। दोस्तों, अगर आप इस मोबाइल को गेमिंग के लिए यूज करना चाहते हो तो ये काफी अच्छा मोबाइल है। आप इससे बहुत आसानी से परचेज कर सकते हो। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करो, और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।